सबसे पहले तो दोस्तों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे बलेरो पिकअप के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में टाटा एस छोटे हाथी की कमाई के बारे में बताया था कि हर महीने आप कितना कमा सकते हैं टाटा एस छोटे हाथी से। तो वह वीडियो देख के बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर हमारे पास छोटा हाथी है, हमारी कमाई क्या बलेरो पिकअप चलाने से ज़्यादा हो सकती है, हमें बलेरो पिकअप के ऊपर वीडियो बना के बताएं। दोस्तों बहुत से लोग जिनके पास बलेरो पिकअप का काम है, जो जिनके पास गाड़ी अभी बलेरो पिकअप नहीं है लेकिन उनके पास काम है, तो उनका कमेंट आ रहा था कि सर हमें वीडियो बना के बताएं कि बलेरो पिकअप गाड़ी अगर हम खरीदते हैं या फिर हम टाटा इस छोटे हाथी से या किसी और गाड़ी से या लीलैंड दोस्त से अगर हम शिफ्ट करते हैं बलेरो पिकअप से, क्या हमें बलेरो पिकअप का काम जो है वो ज़्यादा पैसा कमा के दे सकता है। तो उसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दें। तो आज दोस्तों हम बलेरो पिकअप की कमाई के बारे में बात करेंगे कि हर महीने आप बलेरो पिकअप से कितना कमा सकते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हर बंदे के ऊपर ये डिपेंड करता है। वहीं अगर एक बंदा बलेरो पिकअप के साथ 50,000 कमा रहा है तो दूसरा बंदा 70,000 भी कमा सकता है और एक बंदा और जो है वो 25,000 ही कमा सकता है। ये दोस्तों हर एक काम जो है वो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बेसिक रेट्स बताऊँगा जो आप बलेरो पिकअप अगर आप खरीदना चाहते हैं तो या खरीदने की सोच रहे हैं तो कितना आप हर महीने बलेरो पिकअप के साथ अमूमन जो है कमा सकते हैं। दोस्तों बलेरो पिकअप की अगर बात की जाए तो एक बड़ी गाड़ी है, इससे छोटी गाड़ी बलेरो मैक्सी ट्रक आती है और टाटा इस गाड़ी है जो महिंद्रा सुप्रो गाड़ियाँ आती हैं, जो और भी छोटी गाड़ियाँ आती हैं। तो अगर मिनी एलसीवी सेगमेंट की बात की जाए तो उसमें बलेरो पिकअप गाड़ी थोड़ी सी बड़ी गिनी जाती है, जिसमें आपको 3 से 4 टन वजन उठाने की जो है सहूलियत मिलती है। दोस्तों अगर बलेरो पिकअप की बात की जाए, अगर आपके पास काम है या फिर आप गेड़े पे काम चलाना चाहते हैं या आप भाड़े पे या फिर आप जो है किसी कंपनी के साथ गाड़ी को अटैच करवाना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप 50,000 रुपये प्रति महीना जो है बलेरो पिकअप के साथ कमा सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 50,000 मैंने कम बताया है या फिर बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 50,000 मैंने बहुत ही ज़्यादा बता दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 50,000 एक बेसिक रेट है, आप बेसिक सैलरी है 50,000 रुपये बलेरो पिकअप से बड़ी आसानी से कमा सकते हैं अगर आप 8 से 9 घंटे काम करते हैं बलेरो पिकअप के साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी को किसी कंपनी के साथ अटैच करवाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है बेसिक मैं आपको बात कर रहा हूँ, किसी बड़े शहर में अगर आप किसी फैक्ट्री के साथ या फिर किसी कंपनी के साथ किसी फर्म के साथ अगर अपनी गाड़ी को अटैच करवा देते हैं बलेरो पिकअप को परचेज करके, तो उससे जो है आपको बेसिक कम से कम जो है 50,000 रुपये प्रति महीना जो है अपनी गाड़ी से इनकम होने लगेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रांसपोर्ट लाइन में नए हैं तो सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद के 50,000 रुपये प्रति महीना मिल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। हर काम के दोस्तों आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास काम है तब ही आप 50,000 कमा पाएंगे। मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो गाड़ी को परचेज़ कर लेते हैं नई लेकिन उनके पास काम नहीं होता, फिर वह जो है 10-15,000 जो है किस्त भी नहीं निकाल पाते अपनी गाड़ी की, तो बहुत ही वहाँ पर समस्या हो जाती है। दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप 50,000 जरूर कमा सकते हैं लेकिन आपके पास काम होना चाहिए, पहले आप किसी छोटी गाड़ी से स्टार्ट करें अगर आप ट्रांसपोर्ट धंधा शुरू करने की सोच रहे हैं। अगर दोस्तों आपका जो है बलेरो पिकअप खरीदने का ही विचार है और आपके पास जो है काम भी है अच्छा खासा, तो भाड़े पे जो है आप बड़ी आसानी से जो है 50,000 प्रति महीना जो है कमा सकते हैं। अब भाड़े की दोस्तों अगर बात की जाए, अगर आप लोकल गाड़ी चलाते हैं तो आपको 800-900 रुपये का गेड़ा जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है बलेरो पिकअप के साथ। अगर दोस्तों आप एक शहर से दूसरे शहर पर जाते हैं तो आपको जो है लगभग जो है 4-5,000 रुपये का कम से कम जो है गेड़ा मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास दिहाड़ी के एक गेड़ा भी निकल आता है तो भी आप जो आप देख सकते हैं इनकम कहाँ पर जाती है, 50,000 से भी कहीं ज़्यादा निकल आती है। लेकिन एक शहर से दूसरे शहर की अगर बात करें तो अमूमन आपको इतने गेड़े मिलते नहीं हैं, आप गेड़े में मंथ में जो है महीने में लगभग जो है आप 15 गेड़े की एवरेज निकाल के अगर चलते हैं तो एक गेड़े से अगर आप 4,000 कमा रहे हैं तो 10 गेड़े से 40,000 हो गया और 5 गेड़े से और 4,000 मिला के लगभग आप 60,000 पे आपकी इनकम हो जाती है बलेरो पिकअप गाड़ी के साथ। अगर दोस्तों आपके पास बाहर का गेड़ा नहीं है और लोकल गेड़ा है तो फिर तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है बलेरो पिकअप को बिल्कुल भी परचेज ना करें, क्योंकि दोस्तों बलेरो पिकअप गाड़ी बड़ी गाड़ी है और ये लोकल चलने के लिए नहीं बनी, ये एक शहर से कम दूसरे शहर में जाने के लिए बनी है, क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी की माइलेज भी कम है और पेलोड कैपेसिटी गाड़ी की ज़्यादा है। अगर आपके पास काम कम है और गेड़े छोटे हैं तो फिर आप छोटी गाड़ी के साथ यानी कि टाटा एस या फिर महिंद्रा जीतो या फिर टाटा एस जिप गाड़ी के साथ जा सकते हैं। दोस्तों बलेरो पिकअप एक बड़ी गाड़ी है, मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि बलेरो पिकअप को आप तभी परचेज़ करें अगर आपके पास 3 से 4 टन वजन उठाने की क्षमता है, इतना काम आपके पास है तब आप गाड़ी को परचेज़ करें। गाड़ी की माइलेज कम है, लॉन्ग रूट के लिए ये गाड़ी बेस्ट है और 50,000 रुपये प्रति महीना आप बिल्कुल आसानी से गाड़ी से कमा सकते हैं लॉन्ग रूट लगा के।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कितने तक की आपको गाड़ी मिल जाती है बलेरो पिकअप अगर आप नई परचेज़ करते हैं। दोस्तों आज की तारीख में अगर आप नई गाड़ी परचेज़ करते हैं महिंद्रा बलेरो पिकअप, तो BS6 गाड़ी जो हाल ही में लॉन्च हुई है 2020 में, उसकी कीमत जो है लगभग 9 लाख के आसपास जाती है और बॉडी का अलग से खर्चा आता है, तो आपकी समझ सकते हैं गाड़ी कितनी महंगी आपको पड़ रही है। तो अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको 14 मॉडल गाड़ी जो है वो लगभग 4.25 लाख के आसपास मिल जाएगी, 13 मॉडल 380 की रेंज में और 12 मॉडल 3.5 लाख की रेंज मिल जाएगी। उससे जो है अपना धंधा आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आप देखते रहें शर्मा जी ऑटो डील।